गुमला जिले में बारिश शुरू हुई है। दो तीन दिनों से बहुत अच्छी बारिश हो रही है, खेतों में पानी जम गया है। किसानों के चेहरे में खुशी दिखलाई पड़ रही है। किसान खेत जोत रहे हैं, खेत कुछ ने जोत भी लिया है, कुछ लोग बिजड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग बिजड़ा करने की तैयारी में, कुछ लोगों ने बिजड़ा कर भी लिया है। और पानी आने के बाद काफ़ी उत्साह है, लेकिन साथ ही साथ किसानों की कई समस्याएं भी आ रही है। एक तो इस बार देर से बारिश हुई, ऐसे में किसानों को खतरा है कि अगर उन्होंने समय से अगर खेती नहीं लगाया थोड़ी सी देर हो गई। लेट तो लेते कर लग तनिक, लेकिन पानी अलग तो हमने के किसान पब्लिक के हर जगह बहुत खुश है और अपन खेती पाती में काम धाम में लग जा है। धीरे धीरे अपन काम जोरदार शुरू कर दे हैं। अब पानी जैसे बढ़ी उसने तो काम तो चलते रही और खेत डाड़ में खन तो हर जगह आदमी खाए पिए के भी छोड़ के खन खुशी के साथ में काम कर चुके हैं। और आगे के सिस्टम है कि का हुई सके तो अब कैसे कह। पानी के तो बहुत सुंदर एखन समस्या से दूर हो गए और डाँड डूंड में जगह जगह पर पानी। क्या क्या खेती लगी बाबा गाँव में? गाँव लली तो एखन तो जैसे कि घोड़ा मड़ुआ तो छुड़िए दे हैं, लेकिन हम लगा पाए और लगात हैं। मकई होलक, बादाम होलक। धान खेती हुई कि नहीं? धान खेती भी लगा थे, बीड़ा गोड़ा लग जा है और सब बराबर करके समय के भी निश्चिंत हुए खन काम करते हैं। मतलब अबरी अच्छा खेती कर उम्मीद है? अच्छा, एकदम बढ़िया खेती। का नाम होलक अपन? हमार गजेंद्र उराव, 22 पढ़ा कोटवा। खेती बाड़ी तो करे के लिए पैसा कौड़ी मैंने जे भी हमारे घर गरीब करे कारण से 2 साल से पहले से पानी नहीं उकर में खेती बाड़ी कुछ हो नखे तो हमरे मन के किने खरीदे के लिए प्राइवेट से दिक्कत हुआ थे। तो ब्लॉक आवेला, ब्लॉक में भी सरकार बस जे आवेला से चीज के लेवे के लिए आवेला तो घूमर घूमर के घूर घूर के घर जाइला। हमरे के बीज दुखे एखन खेती बाड़ी करे के समय आए टाइम में टेबल में हमरे के बीज नहीं मिलत है तो हमरे कहिया लगा। अब घर में तो पैसा न खे, अब पैसा कौड़ी रह रख ना प्राइवेट से हमरे धान किनती। कोई भी साधन सरकार देवेला, लेकिन हमरे मन के ब्लॉके में आवेला बोलके कर आदमी कहाँ खपाई देवे ना से गांव घर में पते नहीं लागेला जे हमरे मन उकर लाभदायक उठा के नहीं सकीला। तो का जिसन हमरे मन कर जीवन जिंदगी बीती गरीब आदमी करे खाए पिए के मन। खेती बारे में आर का बनिया रुनिया हर गुरु मिलत है कि? हर गुरु तो अब ट्रैक्टरे से जुतवाए पड़े ला। खेती पानी का सीजन आ जाए ला तो सब धमाधम का ट्रैक्टरे से जुतवाए ना। तो उगर में तो जेकर हर गुरु है से मन हारे से जोते ना, जेकर न खाए कोई से आदमी मन तो ट्रैक्टरे से जुतवाए ना। और माइंड मनक भी बहुत अधिक रेट हो गए, अब कैसे क्या करबे। और बनियारी मनक भी रोपा का सीजन हो जाए ला उस समय बहुत लेवे ना, 500-600 ऐसे करके लेवे ना। क्या नाम हो लगा अपन? मोर तो शीला कुमारी सकरौली गांव। अबरी बारिश लेट से अलग से कर से सभी में दिक्कत हो थे। ऊपर से जोत पोत तो हो जा है पहले, लेकिन अभी बारिश अभी समय से नहीं आवे पारत से करते सभी में दिक्कत हो। मैंने खाद बीज सभी चीज कर हमरे के सामना करे पड़ा थे पब्लिक के। बीजड़ा सब छिटा गया है? हाँ, बीड़ा कहीं थोड़ा बहुत छिटा है मन, और बहुत कुछ तो एखन बाकी है जे कि छिटेल बाचले है, डांड वाला बाचले है, दुइन वाला कुछ बहुत हो जा है। जोताई मन बनियार मन में दिक्कत आया था कि नगे दिक्कत? हाँ, जोताई मन हो खाद बीज कर एखन कुछ तैयारी में लगल ही, मन कहीं व्यवस्था बीज मन कर भी नहीं हो पाए थे जितना तो जरूरत है हमरे की। बनियार मन में दिक्कत हो कि मिल जाए आराम से? बनियार मन दिक्कत भी हो कभी छीट फूट कहीं मिले ना मन। अबरी देरी से पानी आया है तो खेती पूरा हुई कि अबरी कम हुई? खेती बाड़ी अबरी पीछे से बारिश पड़लक से हिसाब से संभावना है कि कम पड़े बने के लगे होवे के लगे है। हाँ, मतलब पानी बाद में नहीं पूरी अगर एक रोप ले के लेट हुआ थे लगाए में तो लेटे जुन हो। इस साल मतलब किसान के नुकसान हुई पानी? किसान के नुकसान हुई घर में। क्या नाम हो लग? हमार बिंदेश्वर उराव शारदा से। खाद बीज की समस्या हो,
या फिर मजदूरी के हो, खेतों की जुताई हो, काफ़ी जो इसके हैं खर्च बढ़ चुके हैं। ऐसे में किसानों को देर से बारिश होने से थोड़ी सी तकलीफ तो है, लेकिन उनमें उत्साह भी है कि अभी चलो बारिश हो गई कर रहे हैं, और ऐसे में उन्हें जो खाद बीज वगैरह की समस्या आ रही है, उन्हें सरकारी दरों से ज़्यादा भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रहा, उससे भी उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि अगर उन्हें सरकारी दरों से मिल जाए तो उन्हें काफ़ी कम खर्च में हो जाए और समय से मिल जाए तो खेती कर सकते हैं। अन्यथा जो प्राइवेट है, जो ऐसे दुकानों में मिल रहे हैं, वो खाद बीज काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं, किसानों को ये दोहरा मार हो जा रहा है। इसलिए किसान भी चाह रहे हैं कि कुछ सरकारी मदद उनसे मिले, और बारिश भी उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी बारिश हो। अभी जो बारिश शुरू हुई है उसी तरह से बारिश पूरे लगातार बरसात में हो, ताकि उनकी खेती में दिक्कत ना हो और धान और अन्य जो बरसाती फसलें होती है जिसपे इस क्षेत्र के लोग निर्भर रहते हैं वो अच्छे से हो जाए। गुमला से अमित राज।